नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लगता है जनता के दिन अच्छे आए या ना आए, लेकिन राजनेताओं के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। चाहे वह राजनेता किसी भी पार्टी का क्यों न हो, या तो वोटर ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं, या फिर वोटरों ने मन बना लिया है कि वोट मांगते समय झूठे वादे करने वाले राजनेताओं के खिलाफ उन लोगों के पास केवल एक यही तरीका बच गया है विरोध करने का, कहीं जूते फेंकना, कहीं शाही फेंकना। तो अब तो लोगों ने थप्पड़ तक मारने का रिवाज चला दिया। अब कल ही की बात करें तो जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया, वहीं फतेहाबाद जिले के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के विरुद्ध लोगों ने खुलकर नारेबाजी की। सुभाष बराला पर झूठे मामले में ग्रामीणों को फंसाने के आरोप लगाते हुए सुभाष बराला के मुर्देबाद के नारे भी लगाए गए। वह साथ ही साथ उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वहीं एक और अंबाला के रतनलाल कटारिया की एक जनसभा में लोगों ने रतनलाल कटारिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें वापस जाने को कहा। वे हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और लोग नहीं रुके, क्योंकि लोग एक के बाद एक उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। इसी प्रकार अगर बात करें जींद जिले की, तो एक गाँव में जब भाजपा नेता पहुंचे तो वहां पर लोगों ने विरोध किया और भाजपा नेता के लिए तो एक युवक डंडा लेकर के आ गया। हालांकि किसी प्रकार से भाजपा नेता ने उन्हें धीरे धीरे चुप करवा दिया। खैर, अब हम बात करते हैं रानिया की। रानिया में कल भारतीय जनता पार्टी की ही उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के कार्यालय में कार्यकर्ताएँ आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को मारने को दौड़े। इस बात पर तो अशोक तंवर ने एक टिप्पणी भी कर डाली। उन्होंने कहा, ये अपने लिए नहीं बल्कि काले धन के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। खैर, इस तरह की तो टिक्का टिप्पणी चलती रहती है। मगर एक अन्य वीडियो में आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदवार की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके अलावा एक वीडियो ऐसा भी है जो हम आपको लास्ट में दिखा रहे हैं, उसमें तो चर्चित नेता नायाब सिंह सैनी के लिए बहुत सारी महिलाओं ने इकट्ठे होकर के शापा पाने वाला गाना ही गा दिया। नायाब सिंह सैनी कहां से आया, शापा पाया। जी हां दोस्तों, ये आप देख रहे थे कि नेताओं से इस समय वे नेता जो वादे पूरे नहीं करते, लेकिन हर साल हर 5 साल बाद वोट मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। अब ये उनकी पिटाई धुनाई उनका भाई पर्सनल मामला है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आजकल लोग इस तरह का ट्रेंड चला रहे हैं, या यूं कहिए कि ये इस एक प्रकार से विरोध है कि अगली बार अगर फिर से आपने ऐसा ही किया तो यही विरोध का तरीका होगा। खैर, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, मगर थोड़ा नरमाई से भाई, इस तरह से धुनाई करके नहीं। आप देख रहे थे पल पल की एक खास रिपोर्ट। सुभाष बराला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जमकर विरोध किया गया, जिसने यहाँ पर जातिया दंगे व झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है। सुभाष बराला मुर्दाबाद। Thank you.
हो गई धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो गई जातो हाय रे।